नंबर वन सॉल्व करा दिए थे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू। देखिए क्वेश्चन नंबर टू कैसे सॉल्व करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्वेश्चन को देखना पड़ेगा ये है क्या। देखिए क्वेश्चन हमारा रूट में x माइनस वन और इंटू x माइनस टू, x माइनस थ्री और x माइनस फोर, x माइनस फाइव। ठीक है दोस्तों, ये इसके बटे में है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इसको y के इक्वल मानना पड़ेगा। हम लिख लेते हैं y इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, y इक्वल टू इसको लिख लीजिए x माइनस वन और x माइनस टू और अपान में आ जाएगा x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव। अब देखिए इसको हमें सॉल्व कैसे करना है। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि y इक्वल टू, ठीक है दोस्तों, इसको देखिए लिखना कैसे है। इसको y इक्वल टू हम लिख सकते हैं x माइनस वन, x माइनस टू, ठीक है दोस्तों। देखिए रूट को हमें हटाना पड़ेगा पहले, तो ये हो जाएगा x माइनस थ्री, x माइनस फोर, x माइनस फाइव। देखिए इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, क्योंकि जब रूट को हम हटाते हैं तो उसके घात में वन बाई टू जाकर बैठ जाता है, ठीक है दोस्तों, चढ़ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमें क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग लेकर करना है। आपको हमने पहले बता दिया है, ये सब सॉल्व करने के लिए हमें लॉग लेने की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए लेंगे हम दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक है दोस्तों, दोनों पक्षों में लॉग लेंगे तो हमारा हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू लॉग, ठीक है दोस्तों, लॉग कितना हो जाएगा एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू अपान में एक्स माइनस थ्री हो जाएगा एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, ठीक है दोस्तों, इतना हमारा हो जाएगा और घात में वन बाई टू हो जाएगा। अब देखिए इधर हम क्या करते हैं, अब देखिए ये हमारा लॉग के एक फार्मूला बन रहा है। तो क्या फार्मूला है, देखिए हम बता देते हैं। यदि लॉग एम की घात एन रहता है, ठीक है दोस्तों, तो वो हो जाता है एन लॉग एम। तो वही हमारा यहाँ पे है, देखिए लॉग है ये पूरा एम के रूप में है, ये पूरा हमारा एम के रूप में, और ये घात एन है, इसको हम एन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको हमें कैसे लिखना है, एन लॉग एम। तो एन पहले लिख देंगे हम यहाँ पे, देखिए इसको पहले लिख देते हैं लॉग वाई इक्वल टू एन, पहले लिखना है हमें, ठीक है दोस्तों, वन बाई टू हो जाएगा, फिर लॉग और फिर क्या है हमारा, देखिए एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू अपान में एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फाइव, ये इतना हमें कर देना है। अब देखिए ये फिर एक लॉग का फार्मूले से हमारा ये सॉल्व होगा। तो फार्मूला क्या है, देखिए यदि कहीं लॉग एम अपान एन रहता है तो उसको हम लॉग एम माइनस लॉग एन लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो वही हमारा यहाँ है, देखिए लॉग ये एम है ये एन है, तो उसको इस प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई इक्वल टू वन बाई टू बाहर ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए लॉग एम, तो लॉग एम की जगह हम लिख देंगे लॉग एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, ठीक है दोस्तों, और हमारा फिर बीच में माइनस लगेगा, जो माइनस वन बाई टू, ये वन बाई टू यहाँ भी रहेगा, लॉग एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर, ठीक दोस्तों, और एक्स माइनस फाइव, इतना हमारा ये हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या करना, इसमें देखिए फिर एक लॉग का फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला हमारा है लॉग एम इंटू एन रहता है, तो लॉग एम प्लस लॉग एन हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सब फार्मूलों को आपको याद करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा लॉग वाई इक्वल टू हो जाएगा वन बाई टू, ये हमारा होने वाला है लॉग कितना हो जाएगा दोस्तों एम, तो एम हमारा एक्स माइनस वन है, और फिर हमारा प्लस वन बाई टू लॉग एन है, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री, ठीक है दोस्तों। अब देखिए फिर से माइनस है, फिर हमारा हो जाएगा इधर भी उसी प्रकार से होगा वन बाई टू लॉग एक्स माइनस थ्री, फिर है प्लस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस फाइव, फिर हमारा प्लस लॉग वन बाई टू, सॉरी पहले वन बाई टू रहेगा फिर लॉग रहेगा,
वन बाई टू लॉग एक्स माइनस फाइव, ठीक दोस्तों, इतना हमारा हो जाएगा। अब देखिए इसको आगे कैसे करना है, और हमें कुछ नहीं करना है, बस एक्स के सापेक्ष इसका अवकलन कर देना है। लिखेंगे हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है दोस्तों, एक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे देखिए हमारा हो क्या जाएगा, तो हो जाएगा हमारा देखिए क्या हो जाएगा, डी अपान में डी एक्स, ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू, देखिए ये पूरे का हमारा हो जाएगा डी अपान में डी एक्स वन बाई टू लॉग एक्स माइनस वन प्लस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस, देखिए यहाँ पे टू रहेगा तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वन ये हो जाएगा माइनस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस थ्री, ठीक है दोस्तों, प्लस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस थ्री प्लस वन बाई टू लॉग एक्स माइनस फाइव, इतना हमारा ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इधर थोड़ा जगह कम पड़ रही थी, हम इधर इसको मेट लेते हैं जल्दी से, देखिए देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा हमारा वन अपान वाई, ठीक है दोस्तों, इंटू डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसको एक्स के सापेक्ष जब अवकलन कर देंगे, और इसका यहाँ पे एक्स के सापेक्ष अवकलन हो गया है, और जब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, और इसका क्या होता है हमारा लॉग एक्स क्या होता है वन अपान एक्स, देखिए क्या हो जाएगा वन बाई टू तथापति ये बाहर रहेगा, ये हो जाएगा वन अपान कितना रहेगा एक्स माइनस वन, ठीक है दोस्तों, इंटू जब माइनस वन का करेंगे सॉरी माइनस वन का जीरो हो जाएगा, एक्स करेंगे तो एक हो जाएगा, इससे कोई लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर से है प्लस वन बाई टू, फिर हमें कितना करना है वन अपान एक्स माइनस टू, ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ भी करेंगे तो ये हमारा एक ही रहेगा, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और प्लस हमारा फिर कितना है वन बाई सॉरी एफ माइनस है, तो देखिए इतना करने के बाद हमें करना क्या है, देखिए दोस्तों ये माइनस है कितना हो जाएगा वन बाई टू, ये वन अपान में एक्स माइनस फोर हो जाएगा सॉरी थ्री हो जाएगा, इंटू वन लिखने कोई आवश्यकता नहीं है, और फिर हमारा कितना प्लस वन बाई टू कितना हो जाएगा दोस्तों वन बाई टू इंटू वन अपान एक्स माइनस फोर इंटू वन बाई टू वन अपान एक्स माइनस फाइव, इतना हमारा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए चाहे तो आप इतना भी आंसर लिख सकते हैं, इसको कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब देखिए ये हो जाएगा डी वाई अपान में डी एक्स इक्वल टू, ये जो वाई है इसको पूरा लिख देना है आपको, यहाँ पे इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा वन अपान टू एक्स माइनस वन प्लस वन बाई टू एक्स माइनस टू, ठीक है दोस्तों, माइनस वन बाई टू एक्स माइनस थ्री, ये जगह प्लस वन बाई टू एक्स माइनस फोर प्लस वन बाई टू एक्स माइनस फाइव, तो यही इसका राइट आंसर है हमारा। आप लोग यहाँ पे वाई का मान रख दीजिए, यहाँ थोड़ा जगह कम पड़ रही है इसलिए हम वाई का मान नहीं रखें, आप लोग वाई का मान रख दीजिए, आपका आंसर आ गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।